नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं IRCTC का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से IRCTC का एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट नहीं होगा तो आप यहाँ पर ट्रेन का टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। ट्रेन का टिकट को बुक करने के लिए आपके पास IRCTC का यूज़र ID और पासवर्ड होना चाहिए। इस वीडियो में यही आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से IRCTC का एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ पर आप बड़ी आसानी से IRCTC का एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एक नया अकाउंट बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे अपना IRCTC का अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, आपको यहां पर सर्च बार में आपको सर्च करना है, यहां पर आपको सर्च करना है IRCTC, यहां पर आपको लिखना IRCTC लिख के सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां पर आपको रेलवे का ऑफिशियल एप्लीकेशन, यहां पे आप देख सकते हैं IRCTC रेल कनेक्ट, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इस एप्लीकेशन का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहां पर इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे, सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को आप यहां पर ओपन कर लेंगे। जैसे आप यहां पर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इसका होम पेज आपको इस तरह से देखने मिलेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, आपको यहां पर देखने मिलेगा अलाउ, बस क्या करेंगे आपको अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करने के बाद फिर से क्या करेंगे, दोबारा आपको दोबारा अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने मिलेगा। तो यहां पे आप यहीं से अपना IRCTC का अकाउंट क्रिएट करेंगे और इसी एप्लीकेशन के थ्रू अपना IRCTC से अपना ट्रेन के टिकट को बुक करेंगे और इसी एप्लीकेशन के थ्रू से अपना IRCTC अकाउंट का जो टिकट को बुक किए हैं उस टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहां पर अपना अकाउंट को क्रिएट करने के लिए क्या करना, सिंपली आपको नीचे में आप यहां पर देखेंगे माई अकाउंट, यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है माई अकाउंट, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से एक पेज देखने मिलेगा। तो यहां पे अपना अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, अपना नया अकाउंट बनाने के लिए आपको यहां पर इधर देखेंगे, यहां पर आपको रेड कलर में आपको यहां पर देखने मिलेगा रजिस्टर यूजर, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है रजिस्टर यूजर, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस रजिस्टर यूजर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर रजिस्टर यूजर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया फॉर्म आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। और दोस्तों, इस फॉर्म को आपको सही तरीके से भरना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सही तरीके से इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो यहां पे आपका अकाउंट आपका क्रिएट नहीं होगा, आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो गाइस, यहां पे जो अपना अकाउंट को क्रिएट करेंगे, जो क्रिएट करने का समय भी होता है गाइस, यहां पे जब भी आप अपना अकाउंट को क्रिएट करेंगे आपको दिन के 12 बजे के बाद ही अपना अकाउंट को क्रिएट करना, दिन के यानी आप लगभग 12 बजे के बाद ही अपना अकाउंट को बनाएंगे, दिन में आप मॉर्निंग में नहीं बनाना। अगर मॉर्निंग में बनाएंगे आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता, क्योंकि उस समय तत्काल टिकट बुक किया जाता, तत्काल टिकट बुक करते समय क्या होता है आपका जो अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस जो है वो काम नहीं करता, इसलिए आपको ध्यान रखना आप जब भी अकाउंट क्रिएट करेंगे दिन के 12 बजे के बाद ही अपना अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो आपको इस फॉर्म को आपको सही तरीके से मैं यहां पे आपको भर के दिखा रहा हूं, क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, क्या फिलअप करना, सारा कुछ आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूं। इस फॉर्म को आपको ध्यान से भरना और वीडियो को आपको ध्यान से देखना तब समझ में आएगा। सबसे पहले गाइज आपको करना है क्या कि यहां पर आपको देखने मिलेगा मोबाइल नंबर, इस बॉक्स में क्या करना है आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहां पर अपना एक मोबाइल नंबर यहां पर आपको फिलअप करके दिखाता हूं, यहां पर क्या करेंगे सही सही अपना यहां पे मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहां पे नीचे देखने मिलेगा ईमेल आईडी, इस बॉक्स में क्या करेंगे आपको एक ईमेल आईडी फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहां पे एक ईमेल आईडी को फिलअप करता हूं। यहां पे गाइस आपको करना कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूनिक होना, मतलब नया होना चाहिए। अगर आपका इससे पहले आप यूज कर चुके हैं किसी IRCTC अकाउंट में तो यहां पर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। यहां पर आप न्यू मोबाइल नंबर देंगे और न्यू ईमेल आईडी देंगे। यहां पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहां पर फिलअप करने के बाद आपको यहां पर नीचे देखने मिलेगा यूजर नेम, यहां पर क्या करना है आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना होगा, यानी आपको एक यूजर नेम बनाना होगा। यूजर नेम बनाने के लिए गाइस आपको करना क्या कि आपको आपका जो यूजर नेम होगा सबसे यूनिक होना चाहिए, मतलब आपका यूजर नेम किसी से मैच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आपको एक यूजर नेम बनाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे यूजर नेम आपको यहाँ पे बनाकर दिखाता हूं, जैसे AKAS आकाश कुमार रॉय,
यहाँ पे लिखा हूँ आकाश कुमार रॉय। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नंबर ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ एक नंबर ऐड करता हूँ 7860। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे यूनिक बनाना। जैसे मैं लिखा हूँ आकाश कुमार रॉय 7860। यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह कुछ नहीं देना है। यहाँ पे सिर्फ अपना क्या करेंगे, अपना जो नाम होगा यहाँ पे नाम लिखेंगे और कुछ नंबर ऐड करेंगे और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना यूजर नेम क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा पासवर्ड। बस क्या करेंगे, इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। इस बॉक्स में क्लिक पासवर्ड वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आपका जो पासवर्ड होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, यानी आपको यहाँ पे आपका जो पासवर्ड होगा कुछ नंबर ऐड करना है, कुछ अल्फाबेट्स ऐड करना है, स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देखना गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आपको स्मॉल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जैसे आकाश कुमार। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नंबर ऐड करना, उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ / जो भी ऐड करना। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ आकाश कुमार 12 @ इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद वही पासवर्ड आपको नीचे में आपको लिखना है, कन्फर्म न्यू पासवर्ड। वही पासवर्ड क्या करना, सेम पासवर्ड को क्या करना आपको यहाँ पे नीचे में आपको टाइप करना। चलिए मैं यहाँ पे नीचे में भी टाइप करता हूँ AKASH आकाश कुमार 12@। यहाँ पर नीचे में आपको सेम नीचे वाला ऊपर जो ऊपर में फिलअप किए वही नीचे में फिलअप करना। देन उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम। यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो नेम होगा आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे। यहाँ पे जो आपका नेम होगा फर्स्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद अगर आप मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिख सकते हैं, अगर मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट नेम है आपका जो भी होगा। जैसे आकाश कुमार, यहाँ पे क्या करेंगे आकाश फर्स्ट नेम है, लास्ट में क्या करेंगे कुमार लिखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कुमार भी टाइप करता हूँ। कुमार टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ। इस बॉक्स में क्या करेंगे, आपको इसमें क्या करना, डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको एक कैलेंडर खुल के आएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे ईयर चूज करना है, आपका जो भी ईयर होगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही देखने मिलेगा ईयर। बस क्या करेंगे, इस जगह ईयर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे आपका ईयर आ जाएगा, कौन सा ईयर है आपका, डेट ऑफ बर्थ में 1998 है, 1999 या 2000 है, जो भी है आपका। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, ईयर चूज करेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे 1998, तो यहाँ पे 1998 क्लिक करता हूँ। 1998 क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपको मंथ अपना चूज करना है, कौन सा मंथ है। यहाँ पे आपको एरो दिखने मिलेगा, इस एरो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपका जो भी मंथ हो यहाँ पे क्या करेंगे चूज करेंगे। जैसे मेरे यहाँ पे जनवरी है, तो मैं आपका यहाँ पे जनवरी आ जाएगा। जनवरी आने के बाद यहाँ पे आपको डेट चूज करना है, कौन सा डेट है, अगर आपका 20 है, 21, 22, जो भी अपना क्या करेंगे अपना डेट में क्लिक करेंगे। डेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा ओके। बस क्या करना, इस ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप होकर आ जाएगा। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद देन आपको यहाँ पे इधर देखने मिलेगा लेफ्ट साइड, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मेल, फीमेल, अदर। आपको यहाँ पे जेंडर चूज करना, अगर आप मेल है तो मेल में क्लिक करेंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल में क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मेल का यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेल में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मेल में क्लिक करने के बाद आपको नीचे साइड देखने मिलेगा नेशनलिटी, इसमें क्या करना आपको, इस जगह क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चूज करना, अगर आप इंडिया से तो यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे इंडिया में क्लिक करना है। इंडिया में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको क्या करना, इस जगह सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे चूज करना है। ये क्वेश्चन कब काम आएगा, जब भी भविष्य बाय द वे आप कभी अपना लाइफ में कभी भी अपना यूजर नेम पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आपको ये रिकवर करने में काम आएगा। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, अपना यहाँ पे क्वेश्चन चूज करेंगे। तो सबसे अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मुझे लगा, व्हाट्स योर फादर्स मिडिल नेम। बस क्या करना, इसको यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इसका आंसर भी देना गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको उसका आंसर देना है, सिक्योरिटी आंसर। इस जगह क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो फादर्स का मिडिल नेम होगा, यहाँ पे क्या करेंगे अपना फादर्स का मिडिल नेम लिखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ मिडिल नेम, यहाँ पे लिखने के बाद अपना फादर्स का यहाँ पे मिडिल नेम लिखने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दिख मिलेगा ऑक्यूपेशन ऑप्शनल। बस क्या करना, यहाँ पे ऑक्यूपेशन ऑप्शनल में आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चूज करना, अगर आप गवर्नमेंट में है या पब्लिक है या प्राइवेट में काम करते हैं या प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड है या स्टूडेंट है, यहाँ आपको जो भी है, अगर इनमें से आप कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा अदर। बस क्या करना, अदर्स में आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, क्या करूँगा स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखने मिलेगा मैरिटल स्टेटस ऑप्शनल। अगर आपको यहाँ पे क्या करना, इस जगह मैरिटल स्टेटस ऑप्शनल में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने मिला है, एक अनमैरिड, एक मैरिड। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पे क्या करेंगे मैरिड में क्लिक करेंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे अनमैरिड में आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सारा कुछ सही सही फिलअप कर देना गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखना और सारा कुछ आपको सही सही फिलअप करना है। उसके बाद गाइस आपको जो यहाँ पे यूजर नेम आप टाइप किए, इस यूजर नेम को क्या करेंगे अपना कॉपी में पहले लिख लेंगे, और जो आपका पासवर्ड होगा उसको भी अपना कॉपी में लिख लेंगे। क्योंकि अगर आप आगे यहाँ पे स्टेप फॉलो करेंगे आप भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना यूजर नेम और पासवर्ड अपना कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ पे सारा कुछ सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे देखने मिलेगा नेक्स्ट। बस क्या करना, इस नेक्स्ट में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस को सही सही फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेसिडेंस एड्रेस। यहाँ पे आपको क्या करना, आपका जो एड्रेस होगा, जहाँ भी आपका विलेज होगा, जहाँ भी आपका गाँव होगा, यहाँ पे क्या करेंगे अपना गाँव का नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना। अगर आप सिटी से तो क्या करेंगे अपना सिटी का नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा स्ट्रीट ऑप्शनल। बस क्या करना, स्ट्रीट ऑप्शनल अगर आप यहाँ पे भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एरिया ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल।
ये दोनों को स्टेट और एरिया को छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे आपको देख मिलेगा सिलेक्ट कंट्री, बस क्या करना है इस सिलेक्ट कंट्री में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना कंट्री चूज करना है, इंडिया है तो यहाँ पे इंडिया में चूज करना है। इंडिया चूज करने के बाद यहाँ पे आपको देख मिलेगा पिन कोड, यहाँ पे क्या करेंगे आपका जो एरिया का पिन कोड होगा यहाँ पे क्या करेंगे अपना एरिया का पिन कोड टाइप करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना एरिया कहाँ पे पिन कोड टाइप करता हूँ। यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ आपका सारा कुछ यहाँ पे ले लेगा। यहाँ पे देखेंगे एरिया को पिन कोड टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको देख मिलेगा सिटी, बस क्या करेंगे इस सिटी में क्लिक करेंगे। सिटी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी सिटी होगा यहाँ पे आपका सिटी देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करेगा गाइस, यहाँ पे आपका बिहार ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप पिन कोड डालेंगे अगर आप बिहार से तो बिहार आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देख मिलेगा पोस्ट ऑफिस, बस क्या करना है इस जगह क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा यहाँ पे क्या करेंगे अपना पोस्ट ऑफिस चूज करेंगे। तो चलिए मैं अपना पोस्ट ऑफिस को मैं चूज कर लेता हूं। यहां पे पोस्ट ऑफिस चूज करने के बाद यहां पे आपको दिख मिलेगा फोन नंबर, यहां पे क्या करेंगे आपका अपना फोन नंबर यहां पे आपको टाइप करना होगा। तो चलिए मैं यहां पे अपना फोन नंबर यहां पे टाइप कर लेता हूं। यहाँ पे अपना फोन नंबर सही सही टाइप करने के बाद यहाँ पे अपना सारा कुछ सही सही फिलअप करने के बाद आपके यहाँ पे ऊपर साइड एक बॉक्स दिखने मिलेगा। बस क्या करना है इस बॉक्स में आपको यहाँ पे टिक करना होता है, यानी इस बॉक्स में क्या करेंगे आपको यहाँ पे चेक मार्क लगा देंगे। यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे, जैसे लगाने के लगाने के बाद आपके सामने इस तरह से एक कैप्चा होगा, यहाँ पे कैप्चा को वेरीफाई होगा। आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे साइड देखने मिलेगा रजिस्टर, बस क्या करना है इस रजिस्टर में आपको क्लिक कर देना। जैसे रजिस्टर में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐड आएगा, बस क्या करेंगे इस ऐड को यहाँ पे आपको ऊपर साइड देखने मिलेगा रिमूव करने का। बस क्या करेंगे इस ऐड में क्लिक करेंगे। ऐड में क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा गाइस, यहां पे आपको देखने मिलेगा कांग्रेचुलेशन यूजर आकाश, आपका यहां पे नेम देखने मिलेगा, आपका जो यूजर आईडी होगा यहां पे यूजर नेम यहां पे आपको देखने मिलेगा। उसके बाद है रजिस्टर सक्सेसफुली वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय योर सर्विस, प्लीज लॉग इन टू वेरीफाई अकाउंट। बस क्या करना इस तरह से देखने मिलेगा। इसका क्या करना गाइस, आपको यहां पे स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां पे क्या करेंगे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको क्या करना इस ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे ओके में क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद क्या करना गाइस, यहाँ पे आपको दिख मिलेगा यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना जो भी यूजर नेम आप बनाए होंगे यहाँ पे अपना यूजर नेम फिलअप करेंगे। देन आपको जो भी पासवर्ड वहाँ पे अपना क्रिएट किए होंगे उस पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम और यहाँ पे अपना पासवर्ड को सही सही फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना यूजर नेम और यहाँ पे अपना पासवर्ड को सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको सही सही फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना कैप्चा को सही सही फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड और यहाँ पे अपना कैप्चा सही सही फिलअप करने के बाद अगर आपका यहाँ पे कैप्चा सही सही नहीं आता तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा रिफ्रेश करने का, यहाँ पे रिफ्रेश में क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कैप्चा दोबारा कैप्चा यहाँ पे बदल के आ जाएगा। यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड और यहाँ पे अपना कैप्चा सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे देखने मिलेगा लॉग इन, बस क्या करना है लॉग इन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे, लॉग इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव करने का, यहाँ पे अपना अगर आप सेव करना है सेव में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर आईडी आपका यहाँ पे देखने मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो होगा यहाँ पे मोबाइल नंबर देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इंटर ओटीपी सेंड योर मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। यहाँ पे क्या करेंगे अपना ओटीपी फिलअप करेंगे, वही ओटीपी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आपका ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी दिए होंगे उस ईमेल आईडी में आपका यहाँ पे ओटीपी आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सेंड ओटीपी, बस क्या करना सेंड ओटीपी में क्लिक कर देंगे। जैसे सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर जो भी नंबर यहाँ पे दिए होंगे उस नंबर पर ओटीपी आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर पे यहाँ पे ओटीपी आएगा। तो चलिए मेरा यहाँ पे मोबाइल में यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे मोबाइल नंबर पे इस जगह क्लिक करके मैं अपना ओटीपी को फिलअप करता हूँ। यहाँ पे अपना ओटीपी मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा ईमेल आईडी, यहाँ पे क्या करेंगे अपना ईमेल आईडी में आपका जो ओटीपी आता है यहाँ पे अपना ईमेल आईडी वाला ओटीपी फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी में भी ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना दोनों जगह का ओटीपी सही सही फिलअप करने के बाद, एक तो मोबाइल का ओटीपी और यहाँ पे अपना ईमेल का ओटीपी सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा वेरीफाई यूजर, बस क्या करना है वेरीफाई यूजर में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ओटीपी वेरीफिकेशन सक्सेसफुली फॉर द यूजर, आपका यहाँ पे यूजर नेम देखने मिलेगा, बस क्या करना है यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका IRCTC में आपका अकाउंट 100% यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यानी आपका IRCTC अकाउंट 100% यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना यूजर नेम फिलअप करेंगे, उसके बाद देन आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड को सही से फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड को सही से फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड और यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे सही से फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा को भी सही से फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं करना, आपको यहाँ पे सही सही सारा कुछ आप फिलअप करेंगे तो 100%
100% आपको गारंटी के साथ कहता हूँ अपना अकाउंट को बना सकते हैं। उसका यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड और यहाँ पे अपना कैप्चा सही सही फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे क्या करना, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन के क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन है, अगर आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, यहाँ पे आप नेवर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको आपका जो नंबर दिए होंगे उस नंबर पर एक ओटीपी आता है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा सेंड ओटीपी। बस क्या करना, इस सेंड ओटीपी में आपको क्लिक करना। सेंड ओटीपी में क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर जो भी नंबर यहाँ पे आप दिए होंगे उस नंबर पर एक ओटीपी आता है। यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक ओटीपी यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे मेरा ओटीपी आ चुका है, तो चलिए मैं अपना यहाँ पे ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे दूसरे मोबाइल में यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे क्या करेंगे अपना ओटीपी फिलअप करना। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना एक ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करता हूँ। यहाँ पे अपना ओटीपी सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा वेरीफाई यूजर। बस क्या करना, वेरीफाई यूजर में आपको दोबारा क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ओटीपी वेरीफिकेशन सक्सेसफुली फॉर द यूजर। आपका यहाँ पे यूजर नेम देखने मिलेगा, बस क्या करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे अकाउंट 100% यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे आप दोबारा यहाँ पे लॉग इन करके अपना अकाउंट से टिकट वगैरह बुक करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको लॉग इन करके भी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपना पासवर्ड को सही सही फिलअप करना है। यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड और यहाँ पे अपना कैप्चा को सही सही फिलअप करने के बाद फिर से क्या करना, आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने बाद यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा। आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना, यहाँ पे हो सकता है ऐड आ सकता है, यहाँ पे इस तरह से देखने मिलेगा। जैसे वेरीफाई करेंगे यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इंटर पिन कन्फर्म पिन। तो गाइस ये आपका पिन कब काम आएगा, जब भी अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आप क्या करेंगे वहाँ पे पिन डालेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 डिजिट का अपना पिन बनाना, यानी 4 अंक का यहाँ पे आपको पिन बनाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक पिन बना लेता हूँ गाइस 4 अंक का। वही पिन को आपको क्या करना है, नीचे आपको देखने मिलेगा कंफर्म पिन, जो भी आप ऊपर बनाएंगे वही पिन को आपको नीचे आपको फिलअप करना है। दोनों जगह सही सही पिन फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा सबमिट। बस क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लीज रिमेंबर टू कीप योर पिन सेफ प्लेस ऑन फर्दर यूज। मतलब यानी आपको आपका जो पिन होगा ये किसी को नहीं बताना क्योंकि आपका ये पर्सनल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओके में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ओके में क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आपका अकाउंट लॉग इन हो चुका है। यहाँ से अपना अकाउंट को आप टिकट वगैरह बुक करना चाहते हैं कुछ भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ओके में ऊपर लॉग इन। बस क्या करें, लॉग इन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहां देखने मिलेगा इंटर 4 डिजिट लॉगिन पिन। जो भी आप पिन बनाए होंगे यहां पे क्या करेंगे, अपना पिन टाइप करेंगे। तो चलिए मैं अपना पिन 4 डिजिट का पिन यहां पे टाइप कर लेता हूं। यहाँ पे अपना 4 डिजिट का पिन टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कैप्चा। इस कैप्चा को यहाँ पे आपको सही सही फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा को यहाँ पे सही सही फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना 4 डिजिट का पिन और यहाँ पे अपना कैप्चा को सही सही फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा लॉगिन। बस क्या करेंगे, इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट 100% यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे कुछ ऐड आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस मेरा यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो IRCTC का अकाउंट है पूरी तरह से तैयार हो चुका बनके। तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेरा IRCTC का अकाउंट है सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है, सक्सेसफुल मेरा यहाँ पे अकाउंट बन चुका है। अब बात आती है कि ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं IRCTC से। तो गाइस इसके लिए मैंने अलग से वीडियो को बना के रखा हूँ, क्योंकि ये वीडियो में अगर मैं इस वीडियो में बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के रखा हूँ। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अलग से, उस लिंक पर क्लिक करके आप जान सकते हैं ट्रेन का टिकट को कैसे बुक कर सकते हैं, ट्रेन टिकट कैसे कैंसिल कर सकते हैं। मैंने आपको सारा वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अगर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं कैसे ट्रेन का टिकट को बुक किया जाता है, कैसे कैंसिल किया जाता है। अगर आप और भी जानना चाहते हैं इसके रिलेटेड तो मेरे चैनल पर आप विजिट करेंगे तो आपको इसके रिलेटेड बहुत सारा वीडियोज मिल जाएगा, कैसे आप ट्रेन टिकट बुक करेंगे, कैसे कैंसिल करेंगे, कैसे अपना यूजर नेम पासवर्ड पता करेंगे और गाइस बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप जान सकते हैं ट्रेन का टिकट कैसे बुक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फोन से IRCTC का अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।